अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। तोफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदाए फीहा बेअदद मा अहात बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बकियतल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ। करबलाए मौला अहले बैत अलैहिस्सलाम से इश्क और मोहब्बत और उनकी हक गोई को ज़ाहिर करने का मरकज़। 19 जमादिल अव्वल 1445 हिजरी कमरी 4 दिसंबर 2023 ईसवी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1347 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। पीर का दिन है। अहले बैत अलैहिस्सलाम में से इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम का दिन है। शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का कि उसने हमें एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए नसीब फरमाया। खुदावंद मुताल का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन जब उसकी नेमतों का एहसास हो जाए तो और ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। लिहाजा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए नसीब फरमाया। खुदावंद मुताल से तवस्सुल करना अहले बैत अलैहिस्सलाम के वसीले से बेहतरीन और पसंदीदा अमल है, और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि जिनके ज़रिए से हम अल्लाह तक पहुँच सकते हैं वह अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम बेहतरीन वसीला है अल्लाह ताला तक पहुंचने का। आज हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह शायर आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मार हानी साहब कराची पाकिस्तान से, और मनकबत खान जनाब हुसैन वारिस साहब मुल्तान पाकिस्तान से। इस वक्त हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद हैं मनकबत खान जनाब हुसैन वारिस साहब मुल्तान पाकिस्तान से। आइए उनसे फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम मामजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? करम मौला का एहसान है। आप सुनाइए, आप खैराफियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। या अली मदद। पीर मौला सलाम मदद। करबलाए मौला में आपकी आवाज मौजूद है। मौला से तवसुल की घड़ियां हैं, मवद्दत की तारीख रकम करने जा रहे हैं आज आप मौला की बारगाह में। चाहूँगा मवद्दत का नजराना पेश कीजिए और मोमिनीन के कुलूब को अहले बैत अलैहिस्सलाम की विला से मुनव्वरतर फरमाइए। बिस्मिल्लाह इनायत फरमाइएगा। अस्सलाम अलैके या बना रसूलिल्लाह, सलाम अलैकुम मोमिनीन, अस्सलाम अलैके या बना फातिमा ज़हरा सय्यदत निसा अलैहिम, अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला आदि हुसैन व सहाबा बरकातहु। मैं अपनी नौकरी का आगाज करने से पहले
ना दर्द इतना सके है को बुलाया ना गया है, पसलियां टूट गया पाया ना हाय 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 फातिमा सहराते सदा जलता दलवा से उठाया ना हाय हाय एक जालिम को यही कहता रहा उम्र एक जालिम को यही कहता रहा उम्र इतना जहरा हाय हाय पसलियां टूट गईं ना जलता हुआ गिरा जहरा जैसे चलता किरा पर हाय हाय इस तरह किसी बीच पे किराया ना गया हाय हाय पसलियां रुखसार पे कैसा है निशान हाय पूछा है दर्द जो रुखो सार पे कैसा है इसकी आलक बहरा बताया ना हाय हाय गया हाय हाय पसलियां टूट गई ना हाय हाय इस तरह की थी सनद अहमद की इस तरह पा के सनद अहमद एक भी टुकड़ा बहरा उठाया ना गया हाय हाय पसलियां टूट गईं हाय हाय बाद जहरा
अली रो रो कर जख्म पसली का मुझे तू ना दिखाया ना पसीना टूट गया छुपाया दर्द इतना था के है दर्द को बताया ना क्या है पसीना टूट गया छुपाया अल्लाह अल्लाह सलाम मोहम्मद वाले सदा आबाद रहें सदा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें ये जिक्र आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे। ये आपका अपना प्रोग्राम है, जब जब मौका मिला मौला का जिक्र पेश करने के लिए दावत देने का शरफ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा आप भी इसी मोहब्बत और इसी मवद्दत के साथ अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में तवसुल के लिए इस प्रोग्राम को इख्तियार फरमाते रहेंगे। खुदावंद मुताल सदा सलामत रखे आपको, ये जिक्र आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे, जल्द करबला मौला आना नसीब हो। ये थे हमारे साथ मनकबत खां जनाब हुसैन वारिस साहब मुल्तान पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, सदा आबाद रहें और हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम के मारिफ को ज़माने में आम फरमाते रहें। करबला की धरती हम सब के लिए यगानगत का दर्स है, करबला की धरती हम सब के लिए मोहब्बत का पैगाम है, करबला की धरती हम सब के लिए मेराज इल्म व अमल व अकीदत व वफा है। यकीनन करबला को जिसने पहचानने की कोशिश की वो अहले बैत अलैहिस्सलाम के उस शहर से वाबस्ता हो गया जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने महबत मलाइका करार दिया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबब से। यहाँ पर फरिश्ते नाजिल होते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े अतहर पर और यहाँ पर आने वाले पाक दामन हो जाते हैं क्योंकि वो उनके दर के ऊपर आते हैं जो कि साहिब तत्हीर हैं। उनसे मुतवस्सिक होना हम सबको नजात दिला देता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शायर आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अम्मार हानी साहब कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह क़िबला, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। या अली मदद, मौला अली मदद, मौला अली मदद, आपकी दुआएं हैं, मैं खैराफियत से हूं, मौला के साए में हूं, आपके लिए भी दुआगो हूं, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम के साए में रहें। करबला मौला में आपकी आवाज़ गूंज रही है, तवसल की घड़ियां हैं, मोहब्बत का पैगाम देने का वक्त है। चाहूँगा नजराने अकीदत मौला की बारगाह में हदिया फरमाइए और मोमिनीन के कुलूब को मारिफ अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुनव्वर तर फरमाइए, बिस्मिल्लाह इनायत फरमाइएगा। जी बिल्कुल, जजाकल्ला। सबसे पहले बहुत ज़्यादा ममनून मुतशक्किर हूँ के करबला की फ़ज़ा में एक बार फिर जिक्र आले बैत का और सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वालिदा मजदा का तज़किरा करने का सआदत आप इमाम हुसैन टीवी के ज़रिए मुझे नसीब हुई। और अब इसी के सत्ते ख़ास तौर से बस मैं अपने बेटे हुसैन हैदर के लिए दुआ गूँ कि करबला की फ़ज़ा में ये फ़ज़ा ही में शफा है तो वह हुसैन हैदर नकवी को मुकम्मल शिफा कामला अता फरमाए और जल्द अज़ जल्द मौला अपने मौज़े की और अपने ज़रिए ख़ास की हमें ज़ियारत फरमाएँ, ज़ियारत का इज़्न दे दें इंशाअल्लाह। मैं सरकार सैयदुल शुहदा की ही नज़र कर रहा हूँ, उनकी वालदा माजदा के हवाले से एक हाल ही में कलाम लिखा पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह इनायत। अल्लाहुम्मा
अल्लाह उसके नबी बेटी पे जुल्म सितम किए, हम उन सितमगरों को न हरगिज भुलाएंगे। इन्नहुम शर्रुल मला इन्नहुम शर्रुल मला सयसूकुल आतिम जालिमी किफातिमा लानतुल्लाह सालिमी आतिम सालिमी आपने खुद जिंदगी सार पाए हक है दरिया, क्यों आप ही जहां अव्वल फातिमा से आपके आंसू, फिर भी मुसलमान सैयदा के आंसू के आंसू के आने के सबब हाय हाय अर्ज़ो समा से आपके आंसू हैं, फिर भी तमाचे मारने आके बड़ा उन टूटी पसलियों की कसम, हम सुन रहे हैं आप आज भी सुबत अलैया मसाए लो अन सुबत अलैया सिर न लाया शाला मिन उम्मत संबहुम आज़म एक मौला हम सब की हाजतें और ऐ हानी जल्द देखिए रब का इंतजाम, पसंद सहरा थे परे के जो वल्लाह के साथ के हम पर है इल्तिजाम, सहरा का और हुसैन का हम दे इंतकाम, وحسام المنتظر سيقيم المحكم ظالم 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 اللهم صل على محمد وعلى محمد माशाल्लाह बहुत प्यारा कलाम, और ये बहुत बड़ी बात है कि आपने अरबी के अल्फाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए। खुदावंद मुताल आपकी ज़बान में मज़ीद तासीर और कलम में मज़ीद ज़ोरे बयान अता फरमाए। करबला में आपकी तवसुल की घड़ियाँ चाहूँगा, मौला की बारगाह में अगर कोई और कलाम इनायत फरमाए तो बिस्मिल्लाह। जी ज़रूर मैं पेश कर देता हूँ, क्योंकि अय्याम फातिमिया ही हैं इस हवाले से। इसके माइक को है ना आप अपने चेहरे मुंह के करीब कर लीजिए, उससे आवाज़ अप डाउन नहीं होगी। हाँ जी जी, जी इसके, मैं और बेहतर कर, हाँ ये ठीक। अल्लाह सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अल्लाह सल्लि अला हाय बिन्त पैगंबर सहरा अब न रोएगी, हाय हाय उम्मत के मजालिम पर हाय हाय सहरा अब न रोएगी, हाय हाय
बैठे हुजूर में जाकर हूँ आंखों से बरसाना पहुंचा इंतहा को अब वो रोना उछल लाना वो रोना वो चिल्लाना हुजरे में भी घुट घुट कर सहरा अब न रोएगी पुर्रे पर तमाचे पर मोहसिन की शहादत सांसों के उखड़ने से पल पल की अजियत पर पल पल की अजियत पर और अपनी ज़ईफ़ी पर सहरा अब न रोएगी। हाय 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 अजीब हाल है। अरे अब अम्मा के कातिल को बेटे कैसे देखेंगे आंखों से उतरेगा पर वो जब्त कर लेंगे पर वो जब्त कर लेंगे बस रो देंगे वो दिल पर सहरा अब रोएगी जाएगी नजर जाएगी चौखट की सियाही पर दरवाजे के चलने का याद आ जाएगा याद आ जाएगा मन अल्लाह के बहुत है दर सहरा अब रोई बस रजत ने छेड़ानी रजत ने मुझे आनी मंजर चैन के पक्षे दुश्मन थे के जो जहरा सब अंजाम को पहुँचे सब अंजाम को पहुँचे خالق اکبر صحرا اب روئے گی آل محمد وعجل فرجہم ماشاءاللہ بہت پیارے کلام بہت خلوص کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں آپ نے ہدیہ فرمائے ढेर सारी आपके लिए दुआएं हैं खुदावंद मुताल आपके कलम के अंदर मज़ीद तासीर अता फ़रमाए ज़बान में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए और इसी तरीके से ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी हो सारी रहे और इस ज़िक्र से आपका खानवादा हमेशा बरकतें तलब करता रहे सदा आबाद रहे आपका घराना सदा आबाद रहें आपकी नस्लें ज़िक्र व मारफत व मोहब्बत व इश्क अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से बदखाहों की बदखाही और बदनज़रों की बदनज़री से महफूज रहें।
सदा आबाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें। ये थे हमारे साथ शायर आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जनाब अम्मार हानी साहब कराची पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। यह आपका अपना प्रोग्राम है, जब जब मौका मिला मौला की बारगाह में दावत देने का शरफ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा आप भी इसी तरीके से हम नवाई फरमा कर मौला की बारगाह में हदिया अकीदत पेश फरमाते रहेंगे। अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में हम ये प्रोग्राम पेश करते हैं, हदिया करते हैं। मोमिनीन इस प्रोग्राम को मोहब्बतों के साथ देखते हैं और अपने अपने अराइज़ और अपनी अपनी दुआएं भी इसके अंदर लिखते हैं, तो हम उनकी दुआएं पैगामात जहां तक मुमकिन है पढ़ देते हैं। सज्जाद अली साहब ने लिखकर भेजा है, सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपका सलाम कबूल फरमाएँ। दुआ की अपील, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएँ, सदा आबाद रहें। और अकील अब्बास करबलाई अब्बास ने लिखकर भेजा है, सलाम या हुसैन, मौला यकीनन आपका सलाम सुनते हैं और आपको जवाब इनायत फरमाते हैं। फिर माशाल्लाह लिखा, फिर इल्तमास दुआ प्लीज लिखा, मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाएँ। तालिब ख़ान साहब ने लिखा, सलामत रहो, मौला आपको भी सलामत रखें, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतवसिल रहें और ये तवसल आपका हमेशा जारी उसारी रहे। अहले बैत अलैहिस्सलाम आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाते रहें। और हमारे साथ मौजूद रहने वाले दोस्तान अपनी दुआएं पेश करते हैं, उन सब के लिए दुआएं हैं और जिनकी दुआएं हमारे जहन से कभी कभार दोस्तान दिन में लगाते हैं, दुआएं जहन में नहीं रहती बात या कहीं लिखा हो तो रह जाता है लाना, तो उस सूरत में भी मैं आप सब के लिए दुआएं करता हूँ। मौला आप सब पर रहमतें बरकतें नादिल फरमाएँ। ऐ करबलाए असर में तनहा मेरे हुसैन, हाँ साहिब ज़मान बहुत देर हो गई, लखते जिगर के दिल में अदू बोलने लगा, दुश्मन है आसमान बहुत देर हो गई, कब तक सहूँ मैं आपके होते हुए करीम, ऐ मेरे पासबान बहुत देर हो गई, ऐ मेरे पासबान बहुत देर हो गई, ऐ मुनसिफ़ ज़मान बहुत देर हो गई, अब चाहिए अमान बहुत देर हो गई, खुन की ये चश्मे हैदर करार अल मदद, जहरा के कल्ब जान बहुत देर हो गई, हैं रास्ते में और बहुत ही करीब हैं रास्ते में और बहुत ही करीब हैं, कब से हुई हूँ खुशगुमान बहुत देर हो गई, कब से हूँ खुशगुमान बहुत देर हो गई, मोजज़ नुमा इमाम ज़मां इब्ने बूतुराब, ऐ मेरे मेहरबान बहुत देर हो गई, सरवत कहीं ना सब्र का सागर छलक पड़े, सरवत कहीं ना सब्र का सागर छलक पड़े, अंधेर है जहान बहुत देर हो गई, अंधेर है जहान बहुत देर हो गई। अपने वक्त के इमाम को हमें याद करना चाहिए, वो हमारे गमगुसार हैं, हमारे रहनुमा हैं, हमारे हिदायतगर हैं, हमारे पेशवा हैं, हमारे इमाम हैं। क़यामत के दिन जब हमें पुकारा जाएगा यौम नदू कुल्ला नासिम बे इमाम हिम, तो हमें हमारे इमाम वक्त इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के नाम से पुकारा जाएगा। आइए अपने वक्त के इमाम की रैयत होने का हक एक मुख्तसर से अंदाज में उनके ज़हूर की दुआ में पेश करें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज, Say